इस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में आज के मुख्य अतिथि भारत सरकार में राज्य मंत्री आदरणीय राज्यवर्धन सिंह जी, मेरे विभाग के राज्य मंत्री आदरणीय विजय सांपला जी, विकलांगजन सशक्तिकरण के क्षेत्र में एम्बेसडर के रूप में काम कर रहे आदरणीय विवेक ओबेराय जी, मंच पर अतिथि के रूप में विराजमान आदरणीय संजय सूरी जी, जूरी के सभी मेंबर्स आदरणीय मार्को म्यूलर जी, श्री अमीर बशीर जी, आदरणीय जय श्री रविंद्रन जी, श्री आदरणीय सिद्धार्थ जी, मेरे विभाग के संयुक्त सचिव अवनीश अवस्थी जी, और आयोजन में अहम भूमिका निभाने वाले श्री विशाल गगन जी, उपस्थित सभी बहनों भाइयों पत्रकार मित्रों और अन्य सभी महानुभावों, मैं परसों भी आया था, बहुत ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता महसूस नहीं करता हूँ, परंतु जिस उद्देश्य से यह अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल हमने आयोजित करने का निर्णय लिया, मैं आज इसकी सफलता देख रहा हूँ और आप सबके सहयोग से ये अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल सफल हुआ है। उद्देश्य इसका यह है कि विकलांगजन सशक्तिकरण में सरकार, गैर सरकारी संगठन, अन्य संस्थाएं और जनभागीदारिता में सहयोग करने वाले लोगों का तो सहयोग रहता ही है, परंतु फिल्मों का सबसे ज़्यादा सहयोग मिल सकता है, इस उद्देश्य से हमने इस आयोजन को किया था। आप और हम सब देखते हैं, फिल्मों ने देश और दुनिया के कोने कोने में अपनी धाक जमाई है, अपनी प्रतिष्ठा कमाई है, और आज फिल्मों के माध्यम से दुनिया एक दूसरे देश के बारे में भली भांति समझने लगी है, समझती है। मैं अगर ये कहूँ कि फिल्म आग में बाग भी लगाने का काम करे तो गलत नहीं है, और बाग में आग लगाने का भी काम कर देती है, उसको देखने वाले के ऊपर निर्भर करता है। फिल्में लोगों की ज़िंदगी की राह बदल देती है, यह हमने एक बार नहीं अनेक बार अनुभव किया है, उसके बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं। आवश्यकता है विकलांगजन सशक्तिकरण की। सरकार ने बहुत सारी योजनाएं बनाई है और उन योजनाओं पर हम इम्प्लीमेंट करते हैं, अमल करते हैं, हमारे अधिकारी कर्मचारी भी करते हैं, परंतु उसमें सामाजिक संगठन और जनभागीदारी आवश्यक है। और अगर हम ये कहें कि सामाजिक संगठन जनभागीदारिता में कौन कौन आता है, तो आप और हम सब आते हैं और फिल्मी दुनिया के ये महान हस्तियाँ भी आती हैं। इस आयोजन में तमन्ना, अमर ज्योति और अन्य संस्थाओं ने प्रमुख हिस्सेदारी की है, सहयोग किया है, मैं उनको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। जिन फिल्मों को बनाने वाले को और उसमें अहम भूमिका निभाने वाले को जो पुरस्कार मिला है, उनको भी बधाई देता हूँ। और आपने और हमने सबने देखा कि जो 40 फिल्में दिखाई गई थी, उसमें एक से बढ़कर एक अच्छी फिल्म थी, ऐसा बताया गया है। और जूरी के मेंबर्स को निर्णय करने में काफ़ी कठिनाई हुई, ऐसी भी जानकारी मिली, पर उन्होंने बखूबी अपने अनुभव का लाभ हमको दिया और अच्छा निर्णय किया है, वो निर्णय आपके सामने है, पुरस्कार उनको दे दिया गया है। मैं इस अवसर पर आदरणीय विवेक ओबेराय जी ने एक जो बात कही, सुझाव दिया, मैं उस सुझाव से सहमत हूँ। मैं भी ये कहता हूँ कि स्पेशली एबल पर्सन ये नाम ज़्यादा उपयुक्त है, और इस प्रकार की चर्चा देश और दुनिया में प्रारंभ हो गई है, पर वर्तमान में जो नाम चल रहा है विकलांगजन सशक्तिकरण, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज,
ये संयुक्त राष्ट्र महासंघ में दुनिया के अनेक देशों ने विचार विमर्श करके बाद निर्णय किया है और हमारा देश उस चर्चा में विचार विमर्श में सम्मिलित था और हमने भी उस पर दस्तखत किए हैं। इसके बाद में इंचियन में साउथ कोरिया के इंचियन शहर में इसी विषय पर विचारों का आदान प्रदान हुआ, कार्ययोजना बनी और उसमें भी अभी इसी नाम को अप्रूवल मिला है। इस कारण से जब तक संयुक्त राष्ट्र महासंघ में या अंतर्राष्ट्रीय संस्था में विचार विमर्श करके कोई अगला परिवर्तन नहीं होता है, तब तक हम जो नाम चल रहा है उसको बोलने के लिए बंधनकारी हैं। परंतु मैं विवेक जी की भावना से सहमति व्यक्त करते हुए विश्वास करता हूं कि भविष्य में इस पर भी कोई विचार विमर्श होगा। हम आधुनिकतम सुविधाओं से विकलांगजन सशक्तिकरण की कार्ययोजनाएं संचालित कर रहे हैं। मैंने परसों मेरे भाषण में वो बातें कही थी, आज उनको फिर से दोहराने की आवश्यकता महसूस नहीं करता। आज एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि हमने इनकी जो बहुत बड़ी कठिनाई है, आवागमन बाधा मुक्त तो होना चाहिए, इस प्रकार की मांग हमेशा से होती रही है और उस दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर के आज हमने सुगम्य भारत एक्सेसिबल इंडिया नाम की योजना लॉन्च करने का निर्णय लिया है। देश के प्रधानमंत्री 4 बजे इस योजना को लॉन्च करने वाले थे, परंतु आप और हम सब देख रहे हैं, जैसे मैडम जयश्री रविंद्रन कैसे आई होगी, मैं भी ये कल्पना कर रहा हूँ कि चेन्नई के तो एयरपोर्ट बंद है, रेल सुविधा बंद है, सब अपने अपने घरों में दूसरी मंजिल और तीसरी मंजिल पर जाकर के बैठे हैं और जीवन जैसे तैसे व्यतीत कर रहे हैं। आवागमन बिल्कुल पूरी तरह से बंद है, फिर भी जयश्री रविंद्रन जी यहाँ आई है। इतनी बड़ी प्राकृतिक आपदा आई है तो निर्णय ये हुआ कि प्रधानमंत्री जी चेन्नई जाएंगे और वो चेन्नई रवाना हो गए। मेरे ख्याल से अभी वहाँ लैंड करने वाले होंगे। उनकी जगह भारत के वित्त मंत्री अरुण जेटली जी 4 बजे विज्ञान भवन में आ रहे हैं और ये सुगम्य भारत योजना को वो लॉन्च करेंगे। हमारी ये जो योजना है वो अगले 2 वर्षों में देश के 50 बड़े शहरों में प्रत्येक शहर में 100-100 बिल्डिंग जो बहुमंजिली है, आम जनता के उपयोग की है, आने जाने का घनत्व वहाँ ज़्यादा है, वहाँ रैंप बनाने का काम करेंगे, लिफ्ट लगाने का काम करेंगे, रेलिंग लगाने का काम करेंगे और पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए शौचालय आदि की जो सुविधाएं आधुनिकतम होना चाहिए वो सारी सुविधाएं हम उपलब्ध कराएंगे। इसके साथ ही साथ हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन आदि सार्वजनिक स्थानों पर भी ये सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने की कार्ययोजना उसमें है। दूसरे चरण में हम देश के सभी जिलों में जिला मुख्यालय, तहसील मुख्यालय, कस्बा मुख्यालय और गांव-गांव तक इस योजना को ले जाने का काम करने वाले हैं। कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी साहब ने जब से प्रधानमंत्री बने और मुझे इस विभाग का दायित्व दिया है, मैं ये विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ कि ये विभाग वाइब्रेंट हो गया, जीवंत हो गया और तेज गति से एक नई अनेक योजनाएं बना करके हम आवश्यकमंद लोगों को सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। हमने स्कॉलरशिप प्रारंभ की है, प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, ओवरसीज स्कॉलरशिप, कोई विदेश में जाकर के पढ़ना चाहते हैं तो उसको भी ऋण सुविधा वगैरह सब देते हैं। आधुनिकतम उपकरण उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है। हमने जर्मन से ये मार्को मुलर जी आए हैं, हमने वहाँ एक ऑटोबाग नाम की संस्था है उसके साथ MOU किया है और वो एलिमको के साथ मिलकर के आधुनिकतम उपकरण विशेषकर हाथ और पैर बनाने का काम कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक हाथ बनाकर हम साल भर के अंदर अंदर देना चालू कर देंगे और उससे आम बिना हाथ वाले व्यक्तियों को जो पहले हाथ से काम करते थे उसी प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था उपलब्ध होगी। मैं आप सबको यहाँ आने पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ, आपका आभार भी व्यक्त करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि भारत सरकार की जो विकलांग जन सशक्तिकरण की योजनाएं हैं
उनको आप अपने पास पड़ोस वालों तक पहुंचाएं, गांव-गांव गली-गली में पहुंचाएं और उन योजनाओं से लोगों को लाभान्वित करने की व्यवस्था में सहयोग दें। इसी प्रकार की प्रार्थना के साथ मेरी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय भारत।